आइए दोस्तों, थोड़ी छत की पतंगबाजी भी दिखाते हैं। बहुत बढ़िया हवा चल रही है, क्या बात है, बहुत एक नंबर हवा। ये तो दूर की हवा चल रही है। और ये देखिए अपना जखीरा निकाल के आए हैं हमारे शरद भाई। इनके मतलब कि आज हवा है क्यों? बिल्कुल, चेहरे पे खुशी देखिए कैसी है। हवा तेज भी हो रही है, धीमी भी है। हाँ अच्छी हवा। दूसरी टीम कहाँ पे है? उस साइड है कि इस साइड है दूसरी टीम? अच्छा उधर, इधर से उड़ेगी। बहुत बढ़िया। संजीव भाई का पहले लड़ता हुआ पहला ये पीछे खड़े रहो, ब्लर हो रही है। 3.5 पे पकड़ के थोड़ी देर लॉक कर लो। थोड़ी देर करो ना। हाँ हाँ, नीचे से ही पेज काटा यहाँ पे। बहुत बढ़िया पेज काटा संजीव भाई ने। अरे इतनी तेज हवा है, उसको पटी नहीं मारना चाहिए। संजीव दो हाथ के मेरे हाथ कांप रहे हैं। बस बस ले लो इसमें से। आइए चिंटू भाई का पेज देखते हैं। ऊपर से नीचे से बढ़ते हुए हैं ओपोनेंट। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से है, ऊपर से हमारे चिंटू भाई अब बाहर निकाल रहे हैं, वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। चिंटू भाई और बाहर निकाल रहे हैं, कुछ पेज देखते हैं। बहुत मज़ा आया जयपुर में। ये रखा चिंटू भाई ने, उसने खींचना स्टार्ट किया। चिंटू भाई ने ताकत से अंदर दिखाया, बहुत टेक्निकल पेज लड़ा दिया यार ये तो लखनऊ और जयपुर में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता होगा। शानदार ये पेज काटा है हमारे चिंटू भाई ने। जैसे उन्होंने खड़ा दिखाया खींच के, इन्होंने अंदर की तरफ रुख दिखाया। बढ़िया पेज हमारे चिंटू भाई, खिलाड़ी भी हैं और मांझा पतंग प्रोवाइड भी कर देते हैं भाई। एक बार फिर से चिंटू भाई का हम पेज देख रहे हैं नीचे की तरफ से बढ़ते हुए। इस बार उनको ऊपर से मौका दे रहे हैं। पहला पेज हमने काट दिया, दूसरा हमारे चिंटू भाई ने, तीसरा पेज ये लड़ रहा है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से उसने गद्दा रखा, इन्होंने बाहर दिखाया। ओहो अंदर के बल बढ़िया रख दिए, ये पूरा लगा के बाहर ला रहे थे उसी में कट गए। बढ़िया पेज काटा इस बार, खाता खोल लिया है ओपोनेंट ने। आइए दोस्तों, शरद भैया हमारे पेज लेने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या करेंगे। चलिए पेज फेरे जा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली पतंग अभी शरद भैया के हाथ में ही है, ऊपर से पेज फेर रहे हैं। थोड़ी पतंग अंदर की है लेकिन ऊपर से तो कोई दिक्कत नहीं है। वो पतंग को हटा रहे, लगता है लंबी वाली लड़ेगी, आगे वाली लड़ेगी। एक देखिए वो बादल के पास लगी है। चलिए उसने पतंग को बढ़ा लिया, यानी काफ़ी ज़्यादा दूर अब पेज लड़ेंगे। मेरे ख्याल से 550-600 मीटर के करीब ये पेज लड़ेंगे। कहाँ है वो रही। चलिए वो रख रहे हैं ऊपर से। यही है आपके पास ही है। आइए अब नीचे वाली पतंग देखेंगे। पेज की रेंज बहुत ही ज्यादा होती चली जा रही है।
500 मीटर से कम है हमारे शरद। एक पतंग उसने रखा, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, ध्यान से समझना है। उसने डोर छोड़ना स्टार्ट किया, ये ऊंचा करके दे रहे हैं, वो डोर छोड़ते जा रहा है, अंदर के बल रख के बढ़िया, लेकिन डोर में हवा नहीं है, पतंग में हवा नहीं है इनके, वो उठा रहा है, इन्होंने पट किया, क्या हो रहा कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए ऊंचा किया, ऊंचा कर लिया इन्होंने, वो दे काट दिया। कुल मिला के पेज काट दिया बढ़िया हमारे शरद भाई ने। आए दोस्तों एक और पेज देखते हैं, हमारे चिंटू भाई पेज लेने जा रहे हैं। रेंज बहुत ज्यादा है इस समय तो, मेरे ख्याल से 500 मीटर से ज्यादा का रेंज है, पौना लड़ रहा है इसलिए 500 मीटर से ज़्यादा ही है। अगर अद्धी इतनी ही बड़ी दिखती तो वो 400 के करीब रहती। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है, कुछ पेज देख रहे हैं, जयपुर में आया हूँ, बड़ा मज़ा आया अभी तक तो। खाने खिलाने आदर सत्कार में बहुत ही ज़बरदस्त सिटी है ये जयपुर। नीचे का खिलाड़ी कहाँ चला गया, वो रहा सीढ़ी के पास। बहुत ही ज़्यादा रेंज होती चली जा रही है, और नीचे खिलाड़ी ने तो और रेंज छोड़ रखी है, मतलब 50-60 मीटर उसकी पतंग आ गई है और ज़्यादा ही। चलिए नीचे की तरफ जा रहे हैं, चलिए उसने रखा, अभी अगर नीचे के ज़्यादा पेच हो जाएंगे तो दिखेगी नहीं। ऊंचा कर लीजिए थोड़ा सा, वो पतंग फट गई है, पतंग फट गई है, पतंग फट गई है आपकी, वो जो किनारा होता है वो पतंग का फट गया है, ये दिखाता हूँ। नहीं नहीं वो पतंग भी फट गई है, गई गई मेरे ख्याल से। दिख रही है पतंग, ये दोनों किनारे जो है फट गए हैं, देख पा रहे होंगे आप। बहुत ज्यादा रेंज में पतंग है वो। आइए दोस्तों, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से नीचे वाली पूर्व की पतंग चक्कर दिया, वो जैसे ऊंचा किया वो रख के ही खत्म हो गए, बढ़िया पेच तुरंत तेज जो है डोर छोड़ दी एक तरह से, बढ़िया पेच काटा पूर्व ने नीचे के हाथ से। पूर्व की पतंग देखिए फिर से राइट साइड नीचे से, वो रखते हुए ऊपर से, ओह पूरा गद्दा मार दिया उन्होंने, पूरा जो है उन्होंने गद्दा चल दिया। ये पूरू की पतंग कट गई इस बार, और ये अपोनेंट की पतंग निकली। आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं, नीचे चिंटू भाई राइट साइड, ऊपर से अपोनेंट तेज हाथों से रखता हुआ, इन्होंने ताकत से पट मारा है, ये भर्रा छोड़ा, उसने गद्दा उठाया, इन्होंने ऊंचा किया, अंदर की तरफ तपकी लगा रहे थे, पेज काट दिया था, लेकिन इनकी भी पतंग चली गई, हालांकि इन्होंने पेज जरूर काट दिया था। थैंक यू रख दो आप, रख दो, रख दो आप। आइए पुष्पेन भाई का पेज देखने चलते हैं हम लोग, थोड़े रेंज जो है अब कम हुए हैं, 350 मीटर से भी ज़्यादा है। नीचे की तरफ से बढ़ते हुए पुष्पेन भाई हमारे, जयपुर में आया तो हमारे पुष्पेन भाई से ज़रूर मिले, चिंटू भाई से ज़रूर मिले। चलिए ऊपर से रखता हुआ अपोनेंट, इन्होंने बाहर खींचा है रोकी पतंग, उसने गद्दा दिखाया, ये अंदर की तरफ दिखा रहे हैं, थपक रहे हैं, वो काटा, बहुत बढ़िया पेच काट दिया। बहुत बढ़िया पेच काटा है यहाँ पे पुष्पेन भाई ने, ये
नटानी जी लड़ाने जा रहे हैं हमारे। आइए पेस देखते हैं ऊपर के हाथ से। चलिए अभी लेफ्ट साइड वाली पंख नीचे से लड़ाएंगे नटानी जी। चलिए पतंग को छोड़ते चले जा रहे हैं, रेंज बढ़ती चली जा रही है, वो भी पतंग को छोड़ रहे हैं ऊपर से। चलिए नीचे नीचे बढ़ाए हुए हैं, वो नीचे लेके आए मुड्ढा तो पतंग पेच लड़े नीचे ना। वहाँ पे चार्जर और बैटरी रखी थी। हाँ पावर बैंक। अब लेफ्ट साइड वाली पतंग अपोनेंट की है, ओपोनेंट की। नीचे से हमारे नटानी भाई देखते हैं, उसने चक्कर दिया, इन्होंने भी चक्कर दिया। पतंग जो है बढ़ती चली जा रही, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। चलिए वो अंदर की तरफ उतर रहे हैं, ये ऊंचा कर रहे हैं। अंदर की तरफ आना मतलब ओपोनेंट की तरफ आना, वो देखिए वो और अंदर है, अब ये थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं। चलिए बढ़िया, यही करना होता है। चलिए वो रखें, चलिए उन्होंने गद्दा मारा है, ये थपक रहे हैं, गद्दा पड़ गया क्या। फक्काटा, बहुत बढ़िया। सिर्फ डोरों पे छोड़ लिया, कुछ नहीं किया, डोर छोड़ते चले गए, ऊंचा करते चले गए। और वो देखिए बिल्डिंगों के बीच जाती हुई पतंग, बहुत बढ़िया पेच काटा है नटानी जी ने। इस तरफ की टीम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, शरद भैया ने भी अच्छे पेच काटे, पुष्पेन भाई ने, चिंटू भाई ने, सभी ने। आए दोस्तों एक और पेज देखेंगे हम लोग नटानी जी का, वो ऊपर से आ रहे हैं अंदर की तरफ। पेज की रेंज मेरे पास से करीबन 400 मीटर, ठीक है। रेंज छोड़ते हुए नटानी जी देखिए पतंग को चक्कर देते हुए डोर छोड़ते चले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ऊंचा किया, थोड़ा बाहर निकाला। दूर के शौकीन लगते हैं मुझे नटानी भाई हमारे, और रेंज छोड़ रहे हैं लगातार। चलिए वो भी रखते हुए, ये रखा उसने। चलिए ठीक है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, उसने गद्दा चला, ये अंदर खींच रहे, पतंग मुझे नहीं दिख रही, वो झटके लगा रहा है, इनकी सिर्फ पतंग दिख रही है सीढ़ी के बगल में। चलिए ऊंचा करते चले जाइए, डोर छोड़ते चले जाइए, खुद समझ में आ जाएगा। अरे काट दी ना। अरे बोरी बोरी बोरी। हाय 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 हाय, डोर निकालते रहिएगा, डोर निकालते रहिएगा। और भैया झटके लगा दिए उसने, उठते हुए झटके लगाए हैं, बढ़िया पेच काटा है ओपोनेंट ने। वो देखिए दोस्तों ओपोनेंट की पतंग वहां से पार हो रही है, मेरे ख्याल से उस टंकी के पीछे से ये पतंग चेक हो रही है। एक पतंग बढ़ गई है। आइए दोस्तों लेफ्ट साइड नीचे ओपोनेंट, ऊपर से रजत है, देखिए यहाँ से लड़ा रहे हैं हमारे रजत। लेफ्ट साइड नीचे से ओपोनेंट, राइट साइड ऊपर से देखिए फिर से बिल्डिंग आती है, काफ़ी ज़्यादा नीचे लड़ा रहे हैं ओपोनेंट। चलिए हम चिंटू भाई के यहाँ आए हुए हैं, और जहाँ पे इनकी शॉप है बनी पार्क कांति नगर, उसी शॉप कम घर के ऊपर से ये पेच होता हुआ ये रखा रजत ने। अब बहुत मजबूरी में आके, गुस्से में आके उन्होंने बाहर दिखाया, काफ़ी ज़्यादा नीचे लड़ा रहे हैं। चलिए और रखा, वो और नीचे कर रहे हैं, कमाल हो गया। गद्दा मारने की जगह दे नहीं रहे हैं वो। चलिए यहाँ गद्दा मारा, अब एक ही पतंग मुझे दिखेगी, वो गद्दा मार के रोक के पतंग काट दिया। आराम से पतंग उड़ जाएगी, आराम से उड़ाते रहना। देखते हैं आती है कि नहीं पतंग, ये आई पतंग, गद्दा मारा उसके बाद रोक लिया पतंग, बढ़िया पेच काटा है रजत ने, अच्छा पेच काटा है यहाँ पे। तो आपने बात बोला, पहले कुछ और ही बोल रहे थे। आइए दोस्तों इस बार रजत नीचे से पेच लेने गए हैं, और वो ऊपर से आ रहे हैं। चलिए अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, नीचे से रजत। चलिए डोर को छोड़ा, बाहर निकाल रहे हैं, चेहरे की तरफ जा रहे हैं, पतंग को चलाया रजत ने, अंदर की तरफ बढ़े, डोर छोड़ रहे, वो अंदर की तरफ लेके रखा, ये ताकत से खींचा है रजत ने, वो काटा, बहुत बढ़िया पेच काटा, सही पाले में उतरे थे और पूरी ताकत से बाहर खींच लिया, कम थी उनकी पतंग, कम से कट गए। ऐसे में आपको ताकत से या तो गद्दा मारना है या फिर पलट के अंदर की तरफ खींचना है।
आइए दोस्तों, रजत का देख रहे हैं हम तीसरा पेच नीचे से। इस बार पहला पेच ऊपर से फिर नीचे से लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अंदर की तरफ बढ़ता हुआ चला रहा है ओपोनेंट, अंदर मतलब ओपोनेंट की तरफ बढ़ना। चलिए बाहर थोड़ा सा निकाला रजत ने, हवा में अचानक से तेजी ऊंचा किया रजत, वो देखिए डोरों पे रख लिया, बढ़िया पेच काटा है रजत ने, उसके पास कोई मौका ही नहीं था, बहुत ही अच्छा पेच काटा है यहाँ पे रजत ने। हंसी मजाक भी चलता हुआ और सौरभ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लड़ाओ यार ये है सौरभ रजत का हम चौथा पेज देख रहे हैं। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग अभी जो है फिलहाल नीचे ही है, अंदर बढ़ते हुए हल्की पतंग अंदर की लग रही है रजत की, मुझे खैर ठीक है पतंग सही है, गिर रही है। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग अब ऊपर से है, देखिए उसने रखा, इन्होंने चक्कर दिया ऊंचा किया, चेहरे की तरफ बढ़ रहे हैं अपोनेंट, चेहरा मतलब होता है पतंग की तरफ बढ़ना, जहाँ पतंग के कन्ने होते हैं, जब भी भारी की पतंग हम लड़ाते हैं तो हम चेहरे की तरफ बढ़ते हैं, बीच से रखेंगे तो खींच वाला किया, वो तो गद्दा मारा, इन्होंने बाहर खींचा, वो ताकत से अंदर खींच रहे हैं, जो नकट गया यहाँ पे डोरों पे रखा, बहुत अच्छा पेच काट, हालांकि पेच काट दिया था, पेच अभी देख लेंगे काटा है कि नहीं, दो बल होना चाहिए, हालांकि ये पेच भी काट ही दिया था हमारे रजत ने, अब चक्कर देखने कितने लिए हैं इनकी पतंग ने, दो तीन चक्कर लिए हैं। चलिए चिंडू भाई पेच लड़ाने जा रहे और उनके उस्ताद पीछे हमारे पुष्पेंद्र भाई जो है इंस्ट्रक्शन देंगे, ये देखिए लेफ्ट साइड नीचे से, इससे पहले जो पेच हुआ था जिसमें दोनों पतंग चली गई थी रजत ने वो पेच काट दिया था, मैंने देखा एक बल खा के जब अंदर खींच रहे थे तब टूटी है उनकी पतंग, लेफ्ट साइड नीचे काफ़ी ज़्यादा पतंग नीचे कर लिया, देखिए बहुत ज़्यादा दिख ही नहीं रही है, और इससे ये भी पता चल रहा है कि नीचे वाले खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा दिखाव है, दिखाव का मतलब नीचे का उसे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और हम लोग को इस तरफ से तो दिख रहा है लेकिन इस बिल्डिंग के पीछे नहीं दिख रहा है। चलिए लेफ्ट साइड पतंग देखिए नीचे की तरफ आते हुए, चिंटू भाई ने पतंग को ऊंचा रखा हुआ है, चक्कर दे रहे हैं अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फिलहाल मैं जी। देखिए पतंग एक नीचे से लड़का बढ़ा रहा है, पतंग एक बच्चा बढ़ा रहा है, ऊंचा करे रहिएगा, ऊंचा करिए पतंग को ऊंचा कर लीजिए, ओ फंसा लिया उसने कन्ने में है, ये देखिए बच्चे ने फंसा लिया है, नहीं है अभी है, चली गई उसकी पतंग, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से बहुत ज़्यादा नीचे करके लड़ा रहे हैं, जयपुर में आया और बहुत मज़ा आया, लेफ्ट साइड नीचे से ऊपर से चिंटू भाई रखते, उन्होंने बाहर हटा ली, उनको मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग भी है, चलिए ऊंचा खींच रहे हैं, इन्होंने गद्दा रखा, वो पट मार रही है, गद्दा मारते चले जा रहे, उनकी पतंग अंदर है, थप किया है वो काटा, एक पतंग तो दिख गई, आराम से उठाना है देखना है, ये आई पतंग कम पड़ गई फिर से उनकी पतंग, मुंबई रिटर्न है हमारे पवन जी रजत भाई के भाई, आइए इनका पेस समझते हैं, आइए उससे पहले चलिए पवन जी के पेस से पहले हम पुष्पेंद्र भाई का पेस देखते हैं, लेफ्ट साइड ओपोनेंट पुष्पेंद्र भैया हमारे, राइट साइड ऊपर अंदर की तरफ ताकत से देखिए कैसे बढ़ रहे हैं, ये गद्दा रखा, गद्दा यही चल दिया है, उसने पट मारा, ये झटक रहे हैं, झटकते चले जा रहे हैं और कट गए, थोड़ा जल्दबाजी कर गए मुझे लग रहा है पुष्पेंद्र भाई, आपको चक्कर देना चाहिए था। अब हमारे पवन भाई हैं, इससे पहले पुष्पेंद्र भाई ने जो पेच लड़ाया था थोड़ा सा जल्दबाजी करे, पहले ही गद्दा मार दिया उसने डोरों पे रख लिया था बहुत दूर से ही, और आखिरी में जगह भी ख़त्म हो गई थी। चलिए देखते हैं पवन भाई क्या पेच लड़ाते हैं, ऊपर के हाथ से पेच लेने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है नीचे नीचे अपोनेंट, पवन भाई ऊपर से आते हुए देखिए इनकी पतंग राइट साइड ऊपर और अंदर जाते हुए बढ़िया रख रहे हैं, उसने पट किया ये रखा, उसे बाहर खींचा, ये डोर छोड़ रहे हैं,
वो अंदर की तरफ आ रहे हैं और वो देख के चले गए, कुछ नहीं किया हमारे, सिर्फ डोर छोड़ते चले गए। ये तो पेच और बढ़िया पेच काट दिया है। एक्चुअली उसको मौका ही नहीं मिला, वो खुद ही खुद अपने चला मटी का आगे बैठ जाके। आइए एक और पेज देखते हैं। नीचे से अपोनेंट बढ़ते हुए पवन भैया ऊपर से ये रखते हुए वो पट कर रहे हैं, अंदर के थपकी ला के बढ़िया पेज काटा इस बार। जैसे इन्होंने गद्दा रखने की कोशिश की हल्के हाथों से, उसने पट मार के शानदार पेज काटा। आइए देखते हैं पूरू का पेज। शाम होती चली आ रही है, चलिए पकड़ता नहीं तू सही में। अब वो हटा रहा है, उसको पता लग गया पीछे से दो और छोड़ दी किसी ने। ऊंचा कर रहा है, अब रजत उनको काटने की कोशिश कर रहा है। अबे सद्दी है क्या यार, वो कटा बढ़िया बढ़िया पेज काटा है रजत ने। आइए दोस्तों पूरू का पेज देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग अभी नीचे है, ऊपर से पेच लेने आ रहे हैं। बहुत सारे आज पेज देखने को मिले, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। पतंग को चला रहे हैं पूरू, वो अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदर मतलब कितनी बार बताऊं आपको, सीख गए होंगे आप। चलिए छतों की पतंगबाजी दिखा रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली कहाँ चली गई, नीचे ही चली गई क्या? वो रही, बहुत ज़्यादा नीचे हैं वो, उनको दिख रहा होगा पूरा पूरा, लेकिन हम लोग को नहीं दिखता है। चलिए बढ़िया पतंग को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं पूरू। राइट साइड ऊंचा किए हुए हैं, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है थोड़ा सा बाहर निकाला, रखा अंदर की तरफ थपके, वो अंदर की तरफ। ओ ये भर्रा छोड़ा है, अभी कटे नहीं है, टेंशन ना लीजिए। ये और गद्दा बाहर निकाला, उन्होंने पट मारा, इन्होंने और बाहर निकाला, वो पट मारते चले जा रहे, ये रखते चले जा रहे। अब क्या होना है पता नहीं, वो और पट कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, यानी कि उनको बहुत दिख रहा है। ऊंचा उठाया पूरू ने, थोड़ा मैं इधर आ जाता हूँ, देख के टूटा है कुछ। चलिए फिर से कोशिश, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से। चलिए गद्दा रखने के लिए तैयार है, गद्दा भर रहे हैं। वो देखिए बाहर की तरफ थपक रहे थे और इन्होंने भी थपकते हुए ऊंचा उठा लिया। बढ़िया पेच काटा है, डोर चिपकी हुई थी, अच्छा पेच काटा है यहाँ पे पुरु ने। चलिए एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, तीसरी बार कोशिश है। इस बार पेच लड़ेंगे तो पेच कटे में दिया जाएगा, ऑल इंडिया का यही रूल है। चलिए तीसरी बार कोशिश, अब नीचे से फिर से पूरू, ऊपर से रखते हुए अपोनेंट, थोड़ा चेहरे की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने जल्दी से पतंग हटाया, पतंग जो है धुंधली दिख रही है, लेकिन क्या हो रहा है ये दिख रहा है। उन्होंने रखा, पूरू ने पतंग को चलाया, अंदर के झटके लगाए, बहुत अच्छा पेच काटा है, बहुत अच्छा पेच काट दिया। चेहरे पे गद्दा मारना चाह रहे थे, इन्होंने अंदर झटक दिया ताकत से। पूरू की पतंग देखिए, राइट साइड नीचे से, लेफ्ट साइड ऊपर से। सॉरी, अभी पेच फिरे ही नहीं है। बिल्कुल ही अंधेरा होता चला जा रहा है, दो
एक दो पेज और लड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। और ये देखिए ओपोनेंट की पतंग टूट गई है, ताकत से बाहर खींच रहे पूरू, हटा ली पतंग इन्होंने अपनी।